हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी एन वी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोग कितना चार्ज करें। अगर आप लोग वेडिंग का काम कर रहे हैं तो कितना चार्ज होना चाहिए, एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, पाँच दिन का, ठीक है। अगर ड्रोन वगैरह चल रहा है तो कितना चार्ज करें, ठीक है। हर एक के लिए होने वाला है, ये मिनिमम होने वाला है अमाउंट। इससे ज़्यादा आप लोग जितना भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम लीजिएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता तो फिर जेब से लग जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम अमाउंट के बारे में कि मिनिमम आप सभी को कितना चार्ज करना चाहिए। एक रिंग सेरेमनी हो गया, प्री वेडिंग करते हैं, पोस्ट वेडिंग करते हैं, या फिर वेडिंग का काम करते हैं, या फिर एनिवर्सरी हो गया, या फिर बर्थडेज का काम हो गया। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आगे आप सभी को हम बताना चाहते हैं, अगर आप लोग प्री वेडिंग का काम लेते हैं अगर वन डे है, एक दिन का काम है, तो आप लोगों को चार्ज 15,000 रुपये करना है। दो दिन का काम है 25,000। इसमें आप सभी को करना क्या है, एक गिम्बल के साथ सिनेमेटिक का वीडियो रिकॉर्ड होगा जो कि स्लो मोशन वगैरह में आप सभी को एडिट करके देना है, साथ में एक एल्बम जो कि 15 से 20 सीट का मोर देन इनफ है वो चीज़, साथ में आप सभी को ड्रोन भी देना है। ड्रोन का फुटेज होना चाहिए, एक सिनेमेटिक्स का फुटेज होगा और एक स्टील का फुटेज होगा, यानी कि तीन कैमरा यहाँ पे चलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रेट मिनिमम होना चाहिए। अगर एक दिन का शूट है तो 15,000 रुपये चार्ज कीजिए, जिसमें सारा खर्चा आपको मैनेज हो जाएगा, कुछ पैसा बचेगा और हो सकता तो कुछ बचे भी ना। अगर दो दिन का काम है तो 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडिशनल पे, वेडिंग ट्रेडिशनल, ठीक है। तीन दिन, टू डेज से स्टार्ट करते हैं, तो दो दिन का काम कितना होना चाहिए ट्रेडिशनल में, 16,000 रुपये। थ्री डेज, वन डेज, ठीक है। तीन दिन का काम है 22,000। अगर एक दिन का काम है 12,000। अगर चार दिन का काम है, बहुत लोगों का रिसेप्शन वगैरह रहता है तो चार दिन पांच दिन भी चला जाता है, तो कितना होना चाहिए, 27,000 रुपये होना चाहिए। ट्रेडिशनल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सिनेमेटिक नहीं है दोस्त। आप बता रहे हैं इसमें दो कैमरा चाहिए, एक स्टिल एक फुट वीडियो, दो लड़का रहेंगे, फिर आपको एल्बम बना के देना है, साथ में आप सभी को वीडियो भी एडिट करके देना है, सारा इंक्लूडेड है। 16,000 रुपये में आप लोगों का बन के रेडी हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बचेगा और नहीं भी बच सकता है। तीन दिन का काम है तो कम से कम 22,000 रुपये आपको चार्ज करना है। एक दिन का काम है 12,000 रुपये, आपको स्टिल इसमें चलाएगा, वीडियो चलेगा, एल्बम बना के देना है, साथ में आप सभी को वीडियो भी बना के देना है। चार दिन का काम है 27,000 रुपये, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहाँ पे क्या रेट वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, दो चीज़ हम बता दिए हैं। तीसरा नंबर पे हम लोग बात करते हैं रिंग सेरेमनी के बारे में। रिंग सेरेमनी वन डेज का ही होता है, एक ट्रेडिशनल हो गया और एक सिनेमेटिक होता है। तो ट्रेडिशनल वन डे, सिनेमेटिक। ट्रेडिशनल में आप सभी को चार्ज करना है 12,000 रुपया, और इसमें आप सभी को चार्ज करना है 16,000 रुपया, ठीक है। मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है। इसमें आपको फोटो बना के देना है, यानी कि एल्बम बना के देना है, साथ में वीडियो चलेगा। इसमें आपका एक कैमरा बढ़ जाएगा, सिनेमेटिक भी रहेगा, ट्रेडिशनल भी रहेगा, और साथ में आप सभी को एल्बम भी बना के देना। 20 सीट हो, 15 सीट हो, इसमें आप सब कोशिश कीजिएगा 30-40 सीट एल्बम देने का, जितना डेज हो रहा है, जिसके
अकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह क्लिक होगा। इसमें आप सभी को 15 सीट, कोशिश कीजिएगा 15 सीट मोर देन इनफ है। 100 फोटो आप लोग अगर निकाल के देते हैं बहुत होता है, इसमें भी 15 से 15 ही रखिएगा, ठीक है। यही सेम प्राइस है, आप लोग वेडिंग एनिवर्सरी करवाइए, सेम प्राइस है, वन डे का होता है। सिनेमेटिक करवाइए या फिर ट्रेडिशनल करिए, सेम प्राइस। इसी तरह यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग प्री वेडिंग करते हैं तो बहुत कोई आज के डेट में पोस्ट वेडिंग भी कर रहे हैं, तो सेम रेट है पोस्ट वेडिंग के लिए भी, ठीक है, सेम प्राइस आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सिनेमेटिक। अगर वन डेज का है तो आप लोगों को चार्ज 10,000 रुपये करना है, इससे कम नहीं करना है, 10,000 per day। 2 दिन का काम है, आप 8,000 रुपये लगा दीजिए, यानी कि अगर 2 डेज का सिनेमेटिक का काम है तो आप लोग 16,000 रुपये चार्ज कीजिएगा। 3 दिन का काम है, 8 × 24, 24-25 हज़ार रुपये में करना है, ओनली सिनेमेटिक। इसमें आपको एल्बम भी बना के नहीं देना है, ओनली एक कैमरा चलेगा जो कि सोनी का होने वाला है, अच्छा गिम्बल के साथ आप लोगों को 5 से 7 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा। तो ये मैंने ओवरऑल सारा प्राइस आप सभी को बता दिए कि यही रेट पर आप सभी को काम करना है, ये मिनिमम रेट होने वाला है, इससे कम आप सभी को नहीं लेना है। अगर आप लोग लेते हैं तो फिर फंस आप ही जाइएगा, क्योंकि बाद में जब बनाने जाइएगा स्टाफ को पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिए, थोड़ा अगर समझ में नहीं आया है तो और एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किसका क्या प्राइस होने वाला है। आप लोग हो सके तो अपने बुक नोटबुक वगैरह में इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, इससे कम में अगर आप लोग काम कीजिएगा तो आप लोग को घर से भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ बचने वाला है नहीं, इसमें भी बचेगा नहीं, लेकिन यही है कि मोटा मोटी आप लोगों का काम निकल जाएगा, कहीं पे आप लोगों को 1 रुपया पॉकेट से लगने वाला नहीं है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो सारा खर्चा इसी से निकल जाएगा, लेकिन इससे कम अगर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉकेट से देना पड़ेगा, और अच्छा से स्टाफ वगैरह का पेमेंट हो जाएगा। इससे कम कीजिएगा तो फिर पेमेंट आपको जेब से लगाना पड़ेगा। और कमाने की बात करें तो आप लोग एक बार अपना ब्रांड बना लीजिए, उसके बाद फिर मनमानी चार्ज कीजिए, जो मार्केट में चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बताया बिगनर के लिए। किसी को अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो इसे देखिए, आप लोगों को नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा किस तरह से प्राइस वगैरह चल रहा है और कितना में कितना खर्च आता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया सारा कुछ, अब बोलिए कि इंडिविजुअल क्या प्राइस आने वाला है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा देख करके। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।